समझ में तो सारों की आ जाएगी और बढ़िया तरीके से आ जाएगी। मन मर्जी कर रहे हैं यार, गोरे मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं छोटू आ गया फिर मेरी गलती क्या होगी। जब क्या बात हुई थी, कल भी बात करी, परसों घर आया तुम्हारे, 4 घंटे इस गाँव में दिए, इसलिए दिए थे तुम एजेंट बनोगे मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ एजेंट होगा नहीं नहीं, ये तो क्या है, देख जी किसका एजेंट है, किसका है यो? पूछो जी। अरे एक बार में खड़े जी गाँव वाले, किसी दिन आओ ठप्पा लगाने का मना करियो या किसी दिन आओ। भाजपा MLC वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें शामली विधानसभा सीट के गुर्जर बाहुल्य इलाके में स्थित बूथ के पास मनीष चौहान गठबंधन प्रत्याशी के एजेंटों को धमका रहे हैं। तुम्हारे 4 घंटे इस गांव में दिए। वीडियो में वो खुलेआम लड़कों को धमका कर उनसे एजेंट का परिचय पत्र तक फड़वा रहे हैं। इसके बाद विपक्षी दलों के लोगों ने चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मैं तो सारों की आ जाएगी और बढ़िया तरीके से आ जाएगी। मन मर्जी कर रहे हैं यार, मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं छोड़ू आ गया फिर, नहीं छोड़ने भी नहीं चाहिए। क्या मामला नरेश, कैसा बन गया एजेंट बता मुझे, नहीं गलती क्या होगी। जब क्या बात हुई थी, कल भी बात करी, परसों घर आया तुम्हारे, 4 घंटे इस गांव में दिए, इसलिए दिए थे तुम एजेंट बनोगे मेरे खिलाफ। कई लोगों ने वीडियो में अखिलेश जयंत के साथ DM और SP शामली को भी ट्वीट किया, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कराने का दावा किया है। शामली की तीनों विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा में बीते दिनों शांतिपूर्ण तरीके से पहले फेज में वोटिंग हुई, लेकिन देर रात भाजपा MLC वीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में मनीष एजेंटों से कहते दिख रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे खिलाफ एजेंट बनने की। इस दौरान मनीष चौहान ने एजेंट के परिचय पत्र भी धमका कर फड़वा दिए, कहा कि एजेंटी तो गई भाड़ में, मुझे तुम्हारा वोट भी चाहिए। उन्होंने एजेंट को धमकाते हुए कहा, अगर मैंने गाँव में आना बंद कर दिया तो तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। इस मामले में शामली की DM जसप्रीत कौर ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के लिए एक टीम बनाकर जांच कराई जा रही है, वीडियो की सत्यता सामने आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। गोरे मेरी बेइज्जती करेंगे, मैं छोटू आ गया फिर, मेरी गलती क्या होगी। जब क्या बात हुई थी, कल भी बात करी, परसों घर आया तुम्हारे, 4 घंटे इस गाँव में दिए, इसलिए दिए थे तुम एजेंट बनोगे मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ एजेंट होगा नहीं, ये तो क्या है, किसका एजेंट है, किसका है।